नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी और आज मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ कुछ सिर खपाऊ पहेलियाँ। पहेलियाँ? अरे वाह, नमस्कार दीदी, पूछिए, हम एकदम तैयार हैं। अच्छा तो सुनो। एक मुर्गी चलते चलते थक गई, चाकू से लगी गर्दन तो फिर चलने लग गई, बूझो क्या है ये? मुर्गी चलते चलते थक गई, मुर्गी की गर्दन कटी तो फिर चली है, गर्दन कटने पे कैसे चलेगी? अरे पहेली में तो कोई छुपा हुआ अर्थ होता है ना, खोजो खोजो। फिर से सुनो एक बार। एक मुर्गी चलते चलते थक गई, चाकू से लगी गर्दन तो फिर चलने लग गई। कुछ सुझा? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा दीदी। सोचो सोचो, आप ही बता दीजिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सही उत्तर है पेंसिल। चलते चलते थक गई यानी नोक भोटी हो गई, और फिर कटने से यानी छिलने से चलने लग गई। अरे धत तेरी, ये तो बड़ा आसान था, आया ही नहीं हमें। एक और पूछना दीदी, इस बार तो हम अवश्य ही बता देंगे सही जवाब। अच्छा तो ठीक है, सुनो एक और पहेली, ध्यान से सुनना। लाल लाल डिब्बा, डिब्बे में छेद, छेद में जो डालो जाए दूर देश। फिर से बोलूं? लाल लाल डिब्बा, डिब्बे में छेद, छेद में जो डालो जाए दूर देश। लाल लाल डिब्बा जाता है दूर देश। दीदी इसका उत्तर कहीं रेलगाड़ी तो नहीं? अच्छा अनुमान है, परंतु ये सही जवाब नहीं है। और सोचो। लाल डिब्बा में छेद, लाल डिब्बे में छेद। दीदी मुझे शायद सही जवाब मिल गया। अच्छा बताओ। इसका जवाब है पोस्ट ऑफिस। उसके छेद में जो भी खत डालो वो दूसरे देश चला जाता है। सही जवाब, आप तो बड़े चतुर निकले। और इसी सही जवाब के साथ आज का वर्ग भी होता है यही समाप्त। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। हाँ मैं भी जाकर सभी से पहेलियाँ पूछता हूँ दीदी। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।